50 जो योगा से रिलेटेड हैं, और ये योगा का हमारा लेवल फर्स्ट का जो QCI होता है, क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होता है, वो वाला क्वेश्चन पेपर है। दूसरा आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपकी PTI की डेट आ चुकी है, जो कि 9 अगस्त को आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है। उसका फाइनल HSC की साइड से नहीं आ रहा, बट सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा है, वैसा ही मैं आपको बता रही हूँ जैसा मैं सुन रही हूँ और देख रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने भी हमारा चैनल ये नहीं कर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप अपनी तैयारी को और थोड़ा सा बढ़ा सकें। और अभी फुल जोर शोर से अपनी तैयारियों को शुरू कर दीजिएगा क्योंकि आपकी फाइनल डेट आ चुकी है। फर्स्ट अभी वीडियो को ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र में योग इस तरह परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, योग चित्तवर्ती निरोधी। ये पतंजलि में ऐसा दर्शाया गया है, पतंजलि में योग चित्तवर्ती निरोध है, इस तरह परिभाषित किया गया है योग को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा डैश ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से किस में तीन प्रमुख घटक सत्व रज और तमस हैं। प्रकृति में ये तीनों घटक मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश पंचतत्व अन्मय कोष के लिए स्थूल घटक है, आग। आग हमारा क्या है इसमें, पंचतत्व अन्मय कोष के लिए स्थूल घटक है आग। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने का अंग है जो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पैर का पंजा, पैर का पंजा हमारा पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी चेतना की एक अवस्था है। निम्नलिखित में से हमारी चेतना की अवस्था क्या है, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शुद्धता को इंगित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शुद्धता को इंगित करती है, रजस तमस। इसमें ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन है, सत्व, सत्व है इसमें, वो हमारा राइट ऑप्शन आएगा। डैश हमारे दुख का कारण है, डैश हमारे दुख का कारण है अविद्या, अविद्या, अविद्या को युग योग में दुखों का कारण बताया गया है। मन को स्थिर और केंद्रित करने में एक वस्तु छवि ध्वनि या विचार डैश है, ध्यान। इसमें मन को कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, मन को कंट्रोल में करने के लिए किसी भी वस्तु छवि ध्वनि या विचार को एकाग्रता में लाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ध्यान की। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोसा विचारों भावनाओं यादें आदतों और इच्छाओं के आकार का है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, अनमे निम्नलिखित में से, सॉरी, अनमे कोसा विचारों भावनाओं यादें आदतें और इच्छाओं के आकार का कोष है। नेक्स्ट है हमारा, डैश अन्मय कोष के लिए एक योग अभ्यास है, प्राणायाम। प्राणायाम अन्मय कोष के लिए एक योगा अभ्यास है। नेक्स्ट है हमारा, हमारे आज्ञा चक्र का स्थान है, हमारे आज्ञा चक्र का स्थान है भौं के मध्य में, हमारा मतलब दोनों आईज के बीच में जो हमारे जगह होती है वो भौं मध्य है होती है, वो हमारा आज्ञा चक्र होता है। प्राण का प्राथमिक कार्य है, प्राण का प्राथमिक कार्य इसमें क्या है, प्राण को योगा में क्या दर्शाया गया है, श्वसन मतलब सांस, सांस के लेने की प्रक्रिया, छोड़ने की प्रक्रिया, उसको हम योगा में क्या बोलते हैं, प्राणायाम। तो ये प्राण है, प्राण क्या है, प्राथमिक, प्राण का प्राथमिक स्तर। निम्नलिखित आसन में से कौन सा हठ योग के अनुसार सबसे अच्छा है। निम्नलिखित आसनों में हठ योग में सबसे अच्छा कौन सा है, इनमें सिद्धासन। सिद्धासन को पूरे योगा में अपने मतलब आसान आसन को भी मानना है, उसमें हठ योग में भी आ जाता है सिद्धासन, और योग पतंजलि में भी सिद्धासन को ही प्रमाणित किया गया है। हठ योग के अनुसार सिद्धासन अन्यथा डैश के रूप में जाना जाता है। ए और बी, मुक्तासन और गुप्तासन दोनों सिद्धासन को बोला जाता है, हम दोनों को सिद्धासन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मिताहार डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। मिताहार डैश के रूप में परिभाषित किया गया है केवल अनुकूल भोजन, केवल अनुकूल भोजन ही मिताहार माना जाता है योग के अनुसार।
हठ योग प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम शरीर से क्रीड़ा समाप्त करता है, शरीर से सॉरी क्रीड़ा समाप्त करता है? सूर्य भेदन, सूर्याभेद, चंद्र भेदन, नाड़ी शोधन और उज्जयी। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, नाड़ी शोधन, जो हमारा अलोम विलोम जिसको हम बोलते हैं, वो हठ प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम शरीर से कीड़ा समाप्त करता है। नेक्स्ट है हमारा हठ योग प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम चलते हुए, खड़े, बैठकर, घूमते हुए किया जा सकता है? नाड़ी शोधन। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, नाड़ी शोधन हम चल के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं और घूमते घूमते भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित आसन में से कौन सा तुरंत भोजन के बाद अभ्यास किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन सेकंड में, नेक्स्ट में आएगा हमारा वज्रासन आएगा इसमें ऑप्शन, आगे देखते हैं हम ऑप्शन में वज्रासन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है वज्रासन। सिर्फ एक ही आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, वो है वज्रासन। हठ प्रदीपिका के अनुसार सभी प्राणायाम की पद्धतियों का उद्देश्य क्या है? बहिरंग कुंभक, बहिरंग कुंभक होता है जो निम्नलिखित पद्धतियों का उद्देश्य प्रमाण करता है। घेरण संहिता के अनुसार कपाल भाति का एक रूप है डैश वात कर्म, अग्निकर्म, वारिकर्म, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, वात कर्म। घेरण संहिता के अनुसार कपाल भाति को क्या बोलते हैं? वात कर्म। और पतंजलि के अनुसार हम उसमें क्या बोलते हैं? नाड़ी शोधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक चित भूमि नहीं है? चंचल, चंचल एक चित भूमि की अवस्था नहीं है। महर्षि पतंजलि के अनुसार नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा एक क्लेश नहीं है? अभ्यास, अभ्यास एक क्लेश नहीं है। ये क्लेश के पार्ट हैं अविद्या, राग, द्वेष, वैराग्य एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं? ये महर्षि पतंजलि के अनुसार क्लेश के 5 क्लेश होते हैं, उनमें से अभ्यास नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है मन की संतुष्टि, मन की संतुलित अवस्था, मन की संतुलित अवस्था। चित्त प्रसादम को संदर्भित करता है मन की एक शांत अवस्था, मन की एक शांत अवस्था क्या करती है? चित्त प्रसादम को संदर्भित करती है। कौन सा बहिरंग योग का अभ्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहिरंग योग का अभ्यास नहीं है? ध्यान, ध्यान इंटरनल है, बहिरंग में आते हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये आते हैं अंतरंग में। और बहिरंग क्या है? सॉरी, बहिरंग है हमारा, बहिरंग नहीं है, इसमें ध्यान, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग है। संवेदी वस्तुओं से इंद्रियों की वापसी है, संवेदी वस्तुओं से इंद्रियों की वापसी है ध्यान। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतकरण हमारी स्मृति से मेल खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतकरण हमारी स्मृति से मेल खाता है? बुद्धि। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा निष्क्रिय एक वस्तु पर आवास करना कहा जाता है, निष्क्रिय एक वस्तु पर आवास करना डैश कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है। किसी एक वस्तु पे कंसंट्रेशन पावर बनाना क्या होता है? ध्यान होता है। हमारे शरीर में रक्त एक डैश है, द्रव संयोजी ऊतक, द्रव संयोजी ऊतक हमारे शरीर में एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है हमारा मानव हृदय के डैश हैं, मानव हृदय के कितने पार्ट हैं? 4 कक्ष हैं। मानव हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में होते हैं। संचलन में शामिल निम्न पेशियां हैं, कंकालीय पेशी, बी इज राइट ऑप्शन, कोमल मांसपेशियां। निम्नलिखित में से कौन सा आसन थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा है? कौन सा आसन थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा है? सर्वांगासन हमारी थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा है। नाक एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए डैश एक बहुत अच्छा क्रिया अभ्यास है, नाक एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए डैश एक बहुत अच्छा क्रिया का अभ्यास है। नेति क्रिया जो हम करते हैं, ये वाली क्रिया हमारी एक बहुत अच्छा है जो नाक की एलर्जी को समाप्त करता है। निम्नलिखित क्रिया में से मिर्गी के लिए कौन सी निषेध है? मिर्गी के लिए नेति, जिसको सीजर प्रॉब्लम है, जिसको दौरे पड़ते हैं, मतलब
उसको नैतिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। संस्कृत में बंद का शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत में बंद का शाब्दिक अर्थ है बंद करना, जो बंद लगाना होता है इसमें, जो बंद होते हैं हमारे, मूल बंद है, उज्जयी बंद है, ठीक है, ये चार बंद होते हैं एक प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्यथा तनाव पैदा हुए रोग को कहा जाता है? अवाधिजा व्याधि, अनाधिजा व्याधि, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, पंचकोश डैस के सिद्धांत से ली गई है, पंचकोश मांडू के उपनिषद से लिया गया है, पंचकोश मांडू के उपनिषद। कौन सा कार्य अंग है जो हवा का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा कार्य अंग है जो हवा का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, हाथ, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। कौन सा महाभूत ज्ञानेन्द्रियाँ कान से मेल खाती है? ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन सी वायु। डैश सच्चाई सादगी और काम में संतुलन की स्थिति है, सत्व। निम्नलिखित में कौन सा प्राण है जो केवल छाती तक ही सीमित है? उदान, उदान प्राण एक ऐसा प्राण है जो छाती तक सीमित रहता है। नेक्स्ट है हमारा, व्यान को नियंत्रित करता है, व्यान को नियंत्रित करता है, पाचन क्रिया व्यान को नियंत्रित करती है, लंबे समय तक एकाग्रता डैश की ओर ले जाती है, लंबे समय तक एकाग्रता डैश की ओर ले जाती है, समाधि की ओर ले जाती है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। कुछ सिद्धांतों के लिए अपने आप को आत्मसमर्पण करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें आत्मसमर्पण करने के लिए संतोष रखना चाहिए मन में, कठिन परिस्थिति के दौरान धैर्य रखने की क्षमता है, कठिन परिस्थिति के दौरान धैर्य रखने की क्षमता है, तितिक्षा, डैश के लिए अनुसार, डैश के लिए अनुसार योग मन शांत करने की प्रक्रिया है, मन शांत करने की पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन। निम्न में से कौन सा नादान अनुसंधान का पहला चरण है? नादान अनुसंधान का पहला चरण है आरंभ अवस्था, कौन सा है? आरंभ अवस्था। विभूति के लिए संस्कृत शब्द है, विभूति के लिए उपलब्धियाँ, उपलब्धियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन बार आया हुआ, युगा यूजीसी में भी आया हुआ था, विभूति के लिए संस्कृत शब्द है उपलब्धियाँ। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नकारात्मकता भावना नहीं है, डैश एक नकारात्मक भावना नहीं है, सहानुभूति, सहानुभूति एक नकारात्मक भावना नहीं है। फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, और चैनल को, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ आपको, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी एचटेट फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपका फिजिकल का बहुत अच्छे से हो। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ और भी ज़्यादा करेंगे। थैंक यू।